टेस्ला का फर्स्ट एवर पिकअप ट्रक साइबर ट्रक अब पूरी तरह से अपग्रेड होने वाला है, जो 2021 का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज कंसीडर किया जा रहा है, जिसका रीजन है इस तरह के पिकअप ट्रक में इस्तेमाल किया गया इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइन, और साथ ही इस तरह की एबनॉर्मल शेप जो इस तरह के व्हीकल की एग्जिस्टेंस से पहले ओनली फिक्शन या फिर इमेजिनेशन था। बट इस तरह के ऑटोमोबाइल की वजह से जिस तरह लोग पहले अपने व्हीकल्स को इस्तेमाल करते थे, उस तरीके में काफी चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। इवन ऑटोमोबाइल कंपनीज और इलॉन मस्क जैसे बिलियनर्स ऑलरेडी फ्यूचर से रिलेटेड सीक्रेट चीजों पर काम कर रहे हैं, जिनमें से एक क्रिएशन है साइबर ट्रक, जिसका यूनिक लुक बहुत से हिडन मैसेजेस को डिस्क्राइब करता है, जिसे हमने इस वीडियो के एंड में अच्छे से कवर किया है। बट उससे पहले, व्हाई साइबर ट्रक इज सो स्पेशल। नंबर 10, पावर एंड स्ट्रेंथ। लुक्स में साइबर ट्रक किसी कंपनी में यूज किए जाने वाले ट्रक की तरह दिखाई नहीं देता, बट ये ट्रक किसी भी नॉर्मल ट्रक से कंपैरिजन में काफी ज्यादा डिफरेंट है। जैसे कि इलॉन मस्क कहते हैं कि उनका साइबर ट्रक एग्जैक्टली एक लैम्बोर्गिनी की तरह ट्रैवल करने के साथ साथ एक हैवी ड्यूटी ट्रक जैसी पावर प्रोवाइड करता है। एंड टेस्ला की वेबसाइट पर अवेलेबल साइबर ट्रक से रिलेटेड स्पेसिफिकेशंस में टेस्ला ने साइबर ट्रक में मौजूद बेस्ट चीजें मेंशन की हैं, जैसे कि साइबर ट्रक में इस्तेमाल किया गया 800 हॉर्स पावर इंजन जो ओनली 2.9 सेकंड्स में 0-60 की स्पीड प्रोवाइड कर सकता है। एंड सिंस टेस्ला ने इस व्हीकल के नाम में ट्रक वर्ड का इस्तेमाल किया है, इसलिए इस साइबर ट्रक की हेल्प से इजीली 6000 किलोग्राम का वेट लिफ्ट किया जा सकता है। इस तरह के फीचर्स साइबर ट्रक को वन ऑफ अ काइंड एंड डेफिनेटली एक पावरफुल व्हीकल प्रूव कर सकते हैं विदाउट अ डाउट। और इस तरह के वेरियस बट इंपॉर्टेंट फीचर्स के कारण साइबर ट्रक मार्केट में मौजूद अपनी तरह की दूसरी गाड़ियों को काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन देने लगा है। बट इस तरह के पावरफुल बट नॉर्मल फीचर्स कई ट्रक्स में देखने को मिलते हैं, बट साइबर ट्रक में ऐसे बहुत से फीचर्स हैं जो किसी दूसरे ट्रक में प्रेजेंट होने के चांसेस काफी लो कर देते हैं। बट ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो टेस्ला के साइबर ट्रक को मार्केट में प्रेजेंट सभी तरह के ट्रक के कंपैरिजन में डिफरेंट बनाते हैं? नंबर 9, न्यू एक्सोस्केलेटन फ्रेम। शुरुआत होती है साइबर ट्रक को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया नई तरह के बॉडी फ्रेम से, जिसे बनाने के लिए इस तरह के स्टेनलेस स्टील को इस्तेमाल किया गया है जो इलॉन मस्क की दूसरी कंपनी स्पेसएक्स अपनी स्टारशिप की बॉडी बनाने में इस्तेमाल करती है। एंड इलॉन मस्क के अकॉर्डिंग उनका स्टारशिप इस तरह से बनाया गया है जो इजीली मोस्ट एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को हैंडल कर सकता है, जैसे कि हद से ज्यादा गर्मी से लेकर जमा देने वाली ठंड तक। एंड इस तरह का टेम्परेचर स्पेस में अर्थ के एटमोसफेयर से काफी ज्यादा डिफरेंट एक्ट करते हैं, और इस तरह के टेम्परेचर को फेस करने के लिए स्पेस एक्स ओनली 304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करती है, जो ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ में बाकी सभी तरह के स्टील या फिर मेटल से काफी ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। बट कुछ समय बाद इलॉन मस्क ने ट्वीट करते हुए पूरे वर्ल्ड में ये अनाउंस किया कि उनकी कंपनी स्पेसएक्स स्टारशिप के कुछ पार्ट्स बनाने में 304L ग्रेड के स्टील का भी इस्तेमाल करने वाली है, जिसे इस्तेमाल करने का रीजन अगेन स्पेस का एक्सट्रीम टेम्परेचर है। एंड नाउ ये तो क्लियर हो गया है कि साइबर ट्रक को बनाने में किस तरह के मेटल का इस्तेमाल हो रहा है, जिसके बाद ये भी क्लियर है कि साइबर ट्रक जैसी गाड़ियां लुक्स में स्ट्रांग होने के साथ साथ रियलिटी में भी काफी स्ट्रांग परफॉर्म करती हैं, जो मार्केट में सभी दूसरे ट्रक के कंपैरिजन में डैमेजेस को काफी अच्छे से फेस कर सकता है। नंबर 8, इंटीरियर डिजाइन। जब कभी टेस्ला का नाम आपके माइंड में आता है तो सबसे पहले आपको टेस्ला गाड़ियों से जुड़ी कौन सी चीज याद आती है? मे बी टेस्ला कार्स का इंटीरियर डिजाइन। टेस्ला हमेशा से ही अपनी गाड़ियों के इंटीरियर को डिजाइन करने के लिए पूरी तरह से यूनिक स्टाइल की मदद लेती आई है, और टेस्ला के लिए उनका साइबर ट्रक किसी भी तरह से कोई एक्सेप्शन नहीं था। साइबर ट्रक में बैठते ही पैसेंजर्स का ध्यान साइबर ट्रक के ब्लैंक डैशबोर्ड पर जाता है, जो काफी ज्यादा ऑब्वियस है। ब्लैंक डैशबोर्ड के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मोर आई कैचिंग थिंग इन द साइबर ट्रक इज द स्मॉल स्टीयरिंग व्हील, जिसके साथ ही ड्राइवर को ड्राइविंग और साइबर ट्रक से रिलेटेड फीचर्स और डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए एक बड़े टैबलेट इंटरफेस देखने को मिलता है, जो अब पूरी तरह से टेस्ला की सभी गाड़ियों में देखे जाने के बाद टेस्ला का एक तरह से ट्रेडमार्क बन गया है। एंड टू बी ऑनेस्ट, इस तरह की चीजें ही फ्यूचर की गाड़ियों का वेट और भी एक्साइटिंग बना देती हैं। फर्स्ट टाइम देखने पर साइबर ट्रक में इस्तेमाल किया गया डैशबोर्ड मार्बल फिनिश जैसा दिखाई देता है, बट ऐसा कहने वाले कुछ ही लोग हैं, बिकॉज रियलिटी में साइबर ट्रक का डैशबोर्ड कंप्रेस पेपर की मदद से बनाया गया है। सिंस टेस्ला साइबर ट्रक में लगाया गया डैशबोर्ड पेपर से बनाया गया है, तो ये भी ऑब्वियस है कि ऐसा करने से टेस्ला साइबर ट्रक की मैन्युफैक्चरिंग में काफी डॉलर सेव कर रही है, और इस तरह की कंप्रेस पेपर मटेरियल को इस्तेमाल करने से टेस्ला प्लैनेट अर्थ को सस्टेनेबल बनाने के अपने कमिटमेंट पर बना रहेगा। काश दूसरी कंपनीज भी सस्टेनेबिलिटी पर टेस्ला की तरह ही इतना फोकस करती। नंबर 7, बुलेट प्रूफ। टेस्ला साइबर ट्रक की बॉडी को बनाने में इस्तेमाल किए गए मेटल के बारे में हमने प्रीवियस पॉइंट्स में डिस्कस कर लिया, जिस कारण साइबर ट्रक में इस्तेमाल किया गया फ्रेम साइबर ट्रक को स्ट्रॉन्ग बनाता है थैंक्स टू द स्टारशिप एयरक्राफ्ट मटेरियल।
बट एक्साइटिंग बात यह है कि साइबर ट्रक स्ट्रेंथ में इतना स्ट्रांग है कि साइबर ट्रक मशीन गन और हैंडगन में इस्तेमाल की जाने वाली 9mm बुलेट को भी इजीली फेस कर सकता है। इवन साइबर ट्रक अनवेल के समय इलॉन मस्क ने स्टेज पर साइबर ट्रक के डिजाइन इन चीफ को साइबर ट्रक पर स्लैज हैमर से हिट करने को कहा, ताकि साइबर ट्रक के रियली में स्ट्रांग होने के पॉइंट को प्रूव किया जा सके। मार्केट में साइबर ट्रक की तरह कुछ ही व्हीकल्स हैं जो बुलेट प्रूफ होने का दावा करते हैं, जिसमें साइबर ट्रक का नाम लिस्ट के टॉप पर आता है। बट इलॉन मस्क अपने ट्रक को बुलेट प्रूफ क्यों बनाना चाहते थे? वेल, इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पॉइंट सुनना होगा। नंबर 6, इंस्पिरेशन फ्रॉम पॉप कल्चर। इलॉन मस्क हमेशा से ही अपने फेवरेट साइफाई मूवीज के सपोर्ट में लव एंड अप्रिसिएशन पब्लिकली शो करते आए हैं। इवन इलॉन मस्क ने पब्लिकली ये भी कहा है कि उन्हें साइबर ट्रक में इस्तेमाल किया गया इंटीरियर डिजाइन की इंस्पिरेशन ब्लेड रनर यूनिवर्स मूवी से मिली थी। एंड यदि आपने टेस्ला का साइबर ट्रक इवेंट वॉच किया था तो काफी चांसेस हैं कि सभी व्यूअर्स साइबर ट्रक जैसे व्हीकल को बनाने के पीछे का इंटेंशन समझ गए होंगे, विच वॉज टेस्ला साइबर ट्रक को फ्यूचरिस्टिक पिकअप ट्रक बनाना। बट काफी लोगों का कहना है कि टेस्ला का साइबर ट्रक और इलॉन के द्वारा साइबर ट्रक और साइफाई मूवी से रिलेटेड पब्लिक अनाउंसमेंट्स ओनली मार्केटिंग स्ट्रेटजीज थी। लेकिन वेरियस सोर्सेज के अकॉर्डिंग इलॉन सच में साइफाई मूवीज के टाइटल जैसे कि फाउंडेशन सीरीज और द हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी जैसे दूसरे टाइटल से रियली में इंस्पायर हुए थे। इवन इलॉन मस्क बुक्स के साथ साथ एक वेल नोन वीडियो गेम से भी काफी ज्यादा इंस्पायर हुए थे, जिसे नाम दिया गया है हालो। इस गेम का नाम आपने अपने चाइल्डहुड में जरूर सुना होगा एंड इवन खेला भी होगा, यदि आप मेरी तरह ही अपने अर्ली 20s में है तो। यहाँ तक कि इलॉन मस्क ने इसके बारे में भी पब्लिकली अनाउंसमेंट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि साइबर ट्रक की इंस्पिरेशन उन्हें हालो गेम्स में मौजूद वर्थहॉग नाम के व्हीकल से मिली थी। नंबर 5, रोड प्लस वाटर। इलॉन जिस तरह के ट्वीट करते हैं उनके फैंस भी काफी हद तक उनकी तरह ही इमेजिनेशन रखते हैं। जैसे कि किसी ने इलॉन मस्क को ट्वीट करते हुए पूछा कि क्या साइबर ट्रक की मदद से किसी छोटी नदी को पार किया जा सकता है, एंड ट्वीट का आंसर देते हुए इलॉन मस्क ने कहा कि साइबर ट्रक पानी में फ्लोट कर सकता है। एंड ट्वीट में इलॉन मस्क ने यह भी लिखा कि टेस्ला कार्स एक तरह से नॉर्मल बोट की तरह भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बट ओनली कुछ ही देर के लिए। एंड ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि टेस्ला के इलेक्ट्रॉनिक होने के कारण टेस्ला कार्स में कोई भी इनटेक और एग्जॉस्ट के लिए गैप नहीं बनाया गया है, मीनिंग टेस्ला कार्स में कभी भी आपको किसी भी तरह का गैप देखने को नहीं मिलेगा। और इलेक्ट्रिक होने के कारण कार में मौजूद बैटरी वाटरप्रूफ बनाई गई है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां एक तरह से वाटर सीट सबमरीन की तरह पानी में भी ट्रैवल करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। हाउएवर अभी के लिए साइबर ट्रक को एक सबमरीन की तरह टेस्ट करना पेंडिंग है, सो इलॉन के इस ट्वीट को कंफर्म करना अभी के लिए पेंडिंग है। बट मे बी फ्यूचर में जेम्स बॉन्ड की मूवी द स्पाई हू लव्ड मी की तरह ही शायद सच में टेस्ला का साइबर ट्रक पानी में ट्रैवल कर सके। बट अभी के लिए लुक्स के अकॉर्डिंग तो ये डेफिनेटली क्लियर है कि साइबर ट्रक पानी में कुछ देर के लिए फ्लोट जरूर कर सकता है, जो हमारे कंट्री में आने वाले फ्लड के टाइम पर जरूर इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 4, बिल्ट इन बेड। यदि कोई भी मार्केट में किसी भी तरह का ट्रक खरीदने जाता है तो लंबे ट्रैवल के समय उन्हें अपने ट्रक में सोने की जगह जरूर चाहिए होती है, एंड टेस्ला के इस पिकअप ट्रक में इस तरह का फीचर डेफिनेटली मौजूद है। एंड टेस्ला ने इस फीचर को नाम दिया है द वॉल्ट, जो सुनने में एक बेड से ज्यादा अच्छा लगता है। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? वेल, टेस्ला के अकॉर्डिंग द वॉल्ट और साइबर ट्रक के एक्सटीरियर को बनाने में सेम तरह के स्टील का इस्तेमाल किया गया है, और यदि कोई साइबर ट्रक ऑनर अपने साथ किसी तरह का एटीवी ले जाना चाहे तो ये भी पॉसिबल है। जस्ट ओपन द टेलगेट एंड टेलगेट के ओपन करते ही साइबर ट्रक का लोडिंग रैम्प ओपन करने के बाद ऑनर्स एटीवी या फिर किसी भी तरह की छोटी गाड़ियां इवन बाइक्स को भी साइबर ट्रक के वॉल्ट में रख सकते हैं, जो अंदर से पूरी तरह से रेक्टेंगुलर शेप का होने के कारण काफी क्लीन और फ्लैट लुक प्रोवाइड करता है। ओपन होने के साथ साथ साइबर ट्रक का वॉल्ट ऊपर से भी क्लोज किया जा सकता है, जिसका कवर ऑलरेडी साइबर ट्रक में ऑल द टाइम अवेलेबल होता है, जस्ट लाइक द रैंप इन द टेलगेट। इस तरह के छोटे फीचर्स सभी ओनर्स को अच्छे तो लगते ही हैं, एंड साथ ही ऐसे फीचर्स गाड़ियों को एरोडायनामिक एफिशिएंसी भी प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3, नो मिरर्स। यस, आपने सही सुना, साइबर ट्रक में रियली में एक भी साइड मिरर नहीं लगाया गया है, एंड टेक्निकली साइबर ट्रक में किसी तरह का रियर व्यू मिरर भी नहीं है, बल्कि साइड व्यू मिरर और रियर व्यू मिरर की जगह साइबर ट्रक में आगे की ओर एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है, जो साइबर ट्रक के फ्रंट और आसपास का व्यू ड्राइवर को स्क्रीन पर शो करता है। बट आने वाले न्यू साइबर ट्रक में साइड व्यू मिरर देखने को जरूर मिलेंगे, बिकॉज लॉ के अकॉर्डिंग सभी व्हीकल्स में साइड व्यू मिरर का होना जरूरी है। इवन इसी तरह की प्रॉब्लम ऑडी ई-ट्रॉन के साथ भी हुई, बट नाउ ऑडी ने अपनी कार में साइड व्यू मिरर की जगह कैमरे लगाने का प्लान बनाया,
और इस तरह की कार ऑलरेडी यूरोप में रिलीज हो चुकी है, बट यूएस और मे बी इंडिया में इस तरह के कार का रिलीज होना इम्पॉसिबल है। बट यदि साइबर ट्रक या फिर ऑडी ईट्रॉन जैसी गाड़ियां रिलीज होती हैं, वो भी बिना साइड व्यू मिरर या फिर विद ओनली साइड कैमरास के टाइप में, तो मे बी ऑटोमोबाइल लॉज को ऐसी फ्यूचरिस्टिक कार्स के लिए थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। नंबर वन, न्यू इंटरफेस। वेल, जब आपने फर्स्ट टाइम साइबर ट्रक से रिलेटेड वीडियो या फिर पिक्चर देखी थी तो आपके माइंड में क्या थॉट्स आए थे इस तरह के दिखाई देने वाले ट्रक के बारे में? साइबर ट्रक दिखने में दूसरी कार्स की तरह स्लीक और एक्सपेंसिव दिखाई नहीं देता, बट ब्यूटी को रिप्लेस करने के लिए साइबर ट्रक में यूनिक तरह के टेक्नोलॉजी रिलेटेड फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि साइबर ट्रक में 17 इंच की डिस्प्ले लगाई गई है जो ड्राइवर को कार से रिलेटेड सभी तरह की इंफॉर्मेशन और फीचर्स प्रोवाइड करता है। और इस तरह की बड़ी डिस्प्ले ओनली टेस्ला कार्स में ही देखने को मिलती है, जैसे कि मॉडल एस एंड मॉडल एक्स। बट आने वाला न्यू साइबर ट्रक वेरियंट डिफरेंट तरह की स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के साथ अवेलेबल होगा, जिसके बारे में अभी के लिए टेस्ला के अलावा कोई भी नहीं जानता, बिकॉज न्यू साइबर ट्रक से जुड़ी स्पेसिफिकेशंस अभी के लिए टेस्ला ने पब्लिकली शेयर नहीं की हैं। बट सभी की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग न्यू साइबर ट्रक में ऑटोनोमस ट्रेलर, हिचहाइकिंग फीचर और लॉन्ग ट्रैवल एयर सस्पेंशन जैसे फीचर्स जरूर होंगे, जिसके साथ ही टेस्ला अपने साइबर ट्रक में साइबर हाउस के प्लान से रिलेटेड फीचर्स भी प्रोवाइड कर सकता है, यदि फ्यूचर में टेस्ला सच में इस तरह का साइबर हाउस बनाने का प्लान बनाता है तो। ऑल्सो, यदि आपको टेस्ला के सीक्रेट साइबर हाउस के बारे में नहीं पता तो लकी फॉर यू, बिकॉज इस टॉपिक को हमने अपनी रीसेंट वीडियो में अच्छे से कवर किया है, जो साइबर ट्रक जैसे यूनिक दिखने वाली गाड़ियों को बिल्ड करने का सीक्रेट रिवील कर सकता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप यू एंजॉयड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम।